हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप अपने व्हाट्सएप के जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं या फिर ऑन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे जो व्हाट्सएप में है टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल है, मैं इसे आपको डिसेबल करके दिखाऊंगा। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ से अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जो है अकाउंट वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसे अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा टू स्टेप वेरिफिकेशन का, तो आपको इसी टू स्टेप वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे देखिए, मेरा जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है ये ऑन है। अब मैं इसे यहाँ से ऑफ करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आपका ऑफ रहेगा तो यहाँ पे टर्न ऑन का ऑप्शन आएगा। तो चलिए मैं यहाँ से इसे टर्न ऑफ कर देता हूँ। टर्न ऑफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये टर्न ऑफ का ऑप्शन आएगा, इसको आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ जो है टर्न ऑफ हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपका टर्न ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से टर्न ऑन, देखिए जैसे मैं बैक करूंगा, यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है टर्न ऑन का ऑप्शन आएगा। और जैसे ही आप टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने के लिए यहाँ पे आपको एक 6 अंक का जो है पिन जनरेट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे 6 अंक का एक पिन जनरेट कर लेता हूँ आपके सामने। 1 2 3 4 5 4 5 6 इस तरह से जनरेट कर दिया फ्रेंड्स, देखिए। और यहाँ से ईमेल आपको डालना है तो ठीक है, नहीं तो आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे डन कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे जो है ईमेल भी डाल सकते हैं। नहीं तो मैं यहाँ से स्किप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, देखिए मेरा जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन सक्सेसफुल ऑन हो चुका है और यहाँ पे अब टर्न ऑफ का ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे तो ऑफ करना था, मैंने आपको ऑन और ऑफ कैसे करना है ये दोनों ही तरीका बता दिया। टू स्टेप वेरिफिकेशन से होता है फ्रेंड्स, जैसे आपका व्हाट्सएप कोई भी अगर आपका ओटीपी ले भी लेगा, अगर वो आपका ओटीपी ले लेगा तब भी वो जो है वो आपका व्हाट्सएप को ऑन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस समय उसको टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा और जब वो पिन डालेगा तभी वो व्हाट्सएप इनेबल होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखना चाहिए, लेकिन मुझे ये व्हाट्सएप जो अभी दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र करना है डेटा को, इसीलिए मैं टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑफ कर रहा हूँ। आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखना चाहिए। अगर गलती से कोई ओटीपी ले लिया तब वो ओटीपी लेके भी आपका व्हाट्सएप को हैक नहीं कर सकता जब तक उसे टू स्टेप वेरिफिकेशन का पिन नहीं पता चलेगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।